हेलो, आप देख रहे हैं दिल लल्लन टॉप। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को करण जौहर के शो पर जाकर कॉफी पीना महंगा पड़ गया। बस शो में महिलाओं पर किए गए कमेंट्स के चक्कर में ये दोनों क्रिकेटर्स नप गए, लेकिन मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी सोशल मीडिया पर लोगों ने कॉफ़ी विद करण के पुराने एपिसोड की क्लिप निकालकर वायरल करना शुरू कर दिया है, जिसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल है। इसमें सबसे पहले फंसे हैं रणवीर सिंह। रणवीर का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो शो के तीसरे सीजन के 11वें एपिसोड का है। इसमें वो करीना कपूर और एक अट्रैक्शन की बात करते सुने जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिन शब्दों में अपनी बात को प्रेजेंट किया है वो थोड़ा वल्गर है। इसे सुनकर करण जौहर की कॉफी सरक गई और रणवीर की को गेस्ट यानी अनुष्का शर्मा भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। ऐसा क्या बोल दिया है रणवीर सिंह ने, ये भी जान लीजिए। फिल्म बैंडबाजा बारात की रिलीज के बाद रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा करण जौहर के चैट शो पर आए थे। यहाँ अनुष्का ने करीना का जिक्र छेड़ा कि उनके मुताबिक करीना बेस्ट एक्ट्रेस है। करीना का जिक्र आते ही रणवीर सिंह एक्साइटेड हो गए, क्योंकि वो खुद को करीना का फैन मानते हैं। करण के बिना ही कुछ पूछे उन्होंने अपनी धुन में ही करीना से अपने कनेक्शन के बारे में बताना शुरू कर दिया। यहाँ रणवीर ने बताया कि करीना एक क्लब में स्विमिंग करने जाती थी, उन्होंने वहाँ करीना को देखा और लड़के से मर्द बन गए। इस बात को सुनने के बाद अनुष्का शर्मा और करण जौहर दोनों ही चौंक गए, क्योंकि अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए रणवीर ने गलत शब्द चुने थे। हार्दिक और राहुल वाले कॉन्ट्रोवर्शियल एपिसोड के बाद शो से रणवीर का ये क्लिप वायरल हो रहा है और लोग उन्हें भी खरी खोटी सुना रहे हैं। रणवीर ने इसी एपिसोड में एक और टिप्पणी कर दी, वो भी अनुष्का शर्मा पे भद्दी सी। एक्चुअली रणवीर शो पर अपने स्टारडम का किस्सा बता रहे थे कि कैसे उनकी पहली फिल्म के रिलीज के बाद लोग उन्हें कहीं जाने पर भी घेर लेते, कपड़े वगैरह पकड़ लेते, चिकोटियां काट देते। इस दौरान उन्होंने एक आदमी का जिक्र किया जिन्होंने रणवीर के पिछले हिस्से पर चिकोटी काट दी थी। उनकी इस बात पर रिएक्ट करते हुए अनुष्का ने कहा कि लड़कियां अपने पसंदीदा स्टार्स को देखकर चिखम चिल्ली मचा देती हैं, लेकिन लड़के कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। इसके जवाब में रणवीर ने अनुष्का से पूछ लिया कि क्या वो भी अपने पिछले हिस्से पर चिकोटी कटवाना चाहती हैं, तो वो ऐसा कर सकती हैं। अगर एक्चुअल शब्दों में आपको बताया जाए तो रणवीर ने अनुष्का से अंग्रेजी में पूछा, हे यू वॉन्ट योर एस पिंच्ड, आई एम राइट हियर। इसके जवाब में अनुष्का ने रणवीर को मजाक मजाक में दो चार झापड़ भी रसीद दिए थे। माफ़ी भी मांग चुके हैं रणवीर। रणवीर ने उस घटना के बाद हुए कई इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में वो बहुत एरोगेंट हो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्राइडे को बैंड बाजा बारात रिलीज़ हुई और सैटरडे को वो स्टार बन चुके थे, ये चीज़ उनके सर पर चढ़ गई थी। इसके बाद वो लोगों से भी उनसे स्टार जैसा बर्ताव करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो रणवीर वो इंसान बनने की कोशिश करने लगे जो सबको पसंद आए। हालांकि डायरेक्टली रणवीर ने कभी करण के शो पर हुई उस बातचीत का जिक्र नहीं किया। इन दोनों वीडियोस के पब्लिक में आने के बाद से रणवीर अपनी फिल्मों से हटकर डिस्कशन का टॉपिक बने हुए हैं। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या होता है, क्या क्या अपडेट आती हैं। अगर कुछ हुआ ऐसा जो आपको बताने लायक हुआ तो ज़रूर हम आपको बताएंगे, एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पता चल जाए। बाकी आप dilallantop.com पर आइए, हमारी वीडियोस वहाँ पर सबसे पहले आती हैं। उसके बाद आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, और अगर एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।